गूगल सीट की क्लास में हम बात करते हैं एबीएस फॉर्म, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या होता है कि कई बार आपके पास डेटा आता है जो कि माइनस और प्लस में होता है, कुछ आपका प्लस में होता है कुछ आपका माइनस में होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो डेटा हमारा माइनस में है और जो प्लस में, उसको सम करना है। तो बोलेंगे सर सम करेंगे क्यों, माइनस ही क्यों आएंगे? देखिए, ये मान लीजिए कि आपकी अर्निंग का डेटा है, जो माइनस में है वो आपके ये मिले हैं डिस्काउंट्स मिले हैं, और जो प्लस में है वो आपका कैश मिला है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपको क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो आपकी टोटल अर्निंग 25,000 हो गई ना सर, क्योंकि हाँ डिस्काउंट भी तो आपका अर्निंग ही हुआ ना। क्या सर? हाँ लेकिन डिस्काउंट जो आएगा तो माइनस में आएगा ना। दिखेगा तो माइनस नहीं। हाँ, तो जब इसको नॉर्मली सम करेंगे तो माइनस वाला माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा मैं चाहता हूं कि माइनस जो है प्लस में हो जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसके लिए क्या है, अगर किसी वैल्यू माइनस में लिखा है उसको प्लस में करना है तो माइनस के साथ सेलेक्ट कर लो, इक्वल माइनस इसको सेलेक्ट कर लो, वो प्लस हो जाएगा, हो गया ना सर। लेकिन बात यहां होती है कि जो प्लस है वो प्लस ही रहना चाहिए, वो माइनस नहीं होना चाहिए, बट इस एग्जाम्पल में ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एबीएस का, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे तक ड्रैग कीजिए, ये आपका प्लस प्लस रहा, बट एबीएस आपका क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। हो। समझे? इसको आगे चल के बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं, एरे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं राउंड करने का। राउंड, जैसे अगर मैंने यहां पे कुछ डेसिमल दिया हुआ है तो इसको राउंड कैसे करें? तो बोलेंगे सर इसके लिए राउंड का फॉर्मूला, राउंड राउंड कॉमा ये जीरो 26 हो करके एंटर जाएगा, मार दिया। राउंड है, एक हमारा 26 होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करता है सर? गया। ठीक है, राउंड क्या करता है, नीरेस्ट दिखाता है। राउंड है ना, हमेशा लोवेस्ट दिखाएगा, और एक होता है राउंड अच्छा अप जो हमेशा अप दिखाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा मैंने कर दिया यहाँ पे 0। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 20.505 भी कर दिया ना, तो राउंड जो है नीरेस्ट पता की 25 दिखा दिया। राउंड डाउन हमेशा, अगर ये 99 भी रहेगा ना फिर भी ये 25 ही दिखाएगा। राउंड हाँ अप ये देखिए 26, ये ऊपर दिखाएगा। मतलब ये समझ लीजिए ना कि अगर आपको पैसा पॉइंट इंटरनली ट्रांसफर करना है तो आप राउंड यूज कर ले, पैसा किसी को देना है तो राउंड डाउन कर ले, किसी से लेना है तो राउंड अप कर ले। कर ठीक है, लेकिन बात यहां पे आती है कि मुझे अगर नंबर को राउंड करना तो कैसे? और नंबर का राउंड करना मतलब, अब इसके दो एग्जांपल मैं देख सकता हूँ। अच्छा, पहले याद है आपको एक वर्जिन मोबाइल हुआ करता था, कौन सा वाला वर्जिन वर्जिन वर्जन? आया था ना बीच में बहुत पहले, 2007-08 के आसपास, नहीं आपको याद है? तो वो कहता था कि आप जितना कॉल करेंगे ना हम आपको पैसा वापस करेंगे, बात कीजिए और पैसा कमाइए। अच्छा तो उसके से एक पल्स रेट हुआ करते थे, वो कहता था दो चीजें, मैं उसका दो दो चीज था कि अगर आपने 1 सेकेंड भी की किया, 1 सेकेंड भी बात किया, तो हम आपको 60 सेकेंड का चार्ज करेंगे। ठीक है, और ठीक है ना, 59 अगर तारीख आपने का 62 सेकेंड बात कर लिया तो आपकी चार्ज होगी 120 सेकेंड। तो 120 तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर को 60 के कैसे? राउंड में कैसे ले जाएंगे? इसका फॉर्मूला आता है सेलिंग का, सेलिंग या सेलिंग मैथ कर लीजिए। इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कर दिया 60 का राउंड। तो अगर मैं यहाँ पे 65 करूंगा तो 120 हो जाएगा, 69 करूंगा या 70 करूंगा या 122 करूंगा तो सीधे ये
बढ़ता जाएगा। तो मतलब 60-60 के अंतराल में वो आगे पीछे होता रहेगा, यही ना सर? जी, उसी तरह से एफडी करने जाते हैं तो 500 का मल्टीप्लेक्स होता है कि आपने अगर बोला कि मुझे मुझे जो है 48,290 रुपये का एफडी कर दीजिए, तो नहीं हो, वो 500 का मल्टीप्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे एटीएम में पैसा निकालने ठीक जाते हैं ना सर, है ठीक तो 500 का नोट है तो 500 का मल्टीप्लेक्स देगा ना, है। तो सेलिंग लगाया ये पौना और यहाँ पांच पे सौ 5 समझ गए। ठीक तो वर्जिन मोबाइल पे वापस आते हैं, तो सेलिंग क्या होता है, अपर का होता है, मतलब कि वो बोला है कि मैं आपका बैलेंस जो काटूंगा अगर आप कॉल करते हो तो भाई 60 का मल्टीप्लेक्स होगा, मतलब कि आपने 1 सेकेंड भी बात किया फिर भी मैं 60 सेकेंड का पैसा लूंगा आपसे। ठीक लेकिन ये उल्टा, और दूसरा भी केस में क्या होता है कि आप अगर बतियाते हैं और आपको मुझे वापस पैसा करना है, क्योंकि उसने बताया था ना कि अपने बात को आपको मैंने बताया था कि वर्जिन मोबाइल का एक फीचर था कि आप जितना बात करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, समझे, माने कि आपको इनकमिंग कॉल पे पैसा मिल रहा। इनकमिंग कॉल पे पैसा मिलता था कितना मैं बात हाँ करूंगा। तो हम लोगों का मोबाइल जब रिचार्ज नहीं होता था ना सही से, हम क्या करते थे पता है आपको सर, ऑफिस का अच्छा, लैंडलाइन में रात में फोन लगा के अपना फोन दिला के छोड़ देते थे 2-4-5 घंटा ताकि उसका पैसा बनता बनता रहे। हाँ बहुत बाकी किया है सर कंपनी हमने, का तो कट ही रहा होगा ना। तो कंपनी क्या, कंपनी का घटे का, कंपनी सोचते हैं कॉल सेंटर थी तो क्या फर्क पड़ता है अच्छा, क्या, हाँ और कंपनी ऐसा बोलता देता था, बोले सर मेरा ही नंबर है डायल किया था, ऐसे रिसीवर गलती से सही से रखा नहीं सर, फोन जेब में था पता नहीं चला। एक बार एक मैनेजर ने बिल देखा था, बोला था यार सुजीत तुम्हारे नंबर पे इतना लंबा कॉल चला, हाँ सर हाँ पता है, और रिसीवर रख के छोड़ दिया था सर, मैं अपने आप को फोन, मेरा फोन मिल नहीं रहा था, मैंने अपना फोन डायल किया था, उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत था, फोन कटा नहीं, रिसीवर सही से रखा नहीं, फोन डायल चलते रहा, मैं जब 2 घंटे बाद घर पहुंचा तो पता चला कि फोन जो तो है फिर रिसीवर आप सही उस से। नंबर का फिर और कहीं कॉल वॉल नहीं करना होगा। हाँ तो कहने मतलब रिचार्ज करवाने के इतना करना पड़ता था ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप मतलब जब आपने फोन काटा नहीं तो हाँ फिर उस नंबर आपके कंपनी वाले नंबर से और कहीं कॉल वॉल करना नहीं था क्या? नहीं मतलब कि नहीं समझे, लाइन चालू था वो, मतलब कि ऐसा लग रहा था बात हो रही है लेकिन जो ही फोन लगा रहा था, मैं समझ गया, आपने जानबूझ के वैसे कर दिया था। जानबूझ के ऐसा कर देते थे, और कंपनी जब पूछता था ना तो बोलते थे कि डायल नंबर फोन बुला गया था सर मेरा ही नंबर है सर, अगर मैं किसी और से बात करूँ STDISD कॉल करूँ तब ना कंपनी को पता चलेगा, शक होगा भाई ये तो लोकल हाँ कॉल है मेरे ही नंबर पे है, हाँ तो कोई बहाना मार दिया कि डायल सर रिसीवर सही से ही रखाया था, या डायल किया था फोन हैंग हो गया, फोन कटा ही नहीं, मैं चला गया जल्दीबाजी में, घर जाके पता चला हाँ 2 घंटे बाद, कुछ हाँ भी बहाना मार देता था। तो बहाने पे मत आइए, यहाँ लॉजिक पे आइए। हाँ लॉजिक क्या है? तो लॉजिक पे यह है कि कंपनी कहती थी कि 60 सेकेंड मतलब कि आप, आपको अगर आउटगोइंग करते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा, पैसा जो आपको देना पड़ेगा वो 1 सेकेंड का 60 सेकेंड, राइट। लेकिन कंपनी कहती थी कि अगर आपकी इनकमिंग कॉल आया तो आपको पैसा पूरा 60 सेकेंड बात करने पे ही दूंगा, ठीक अगर आपने 58 सेकेंड बात कर दिया तो आपको है, जीरो मिलेगा, तो फिर जीरो। हाँ ठीक है, अगर आपने 119 60 सेकेंड बात बात किया तो आपको 60 सेकेंड का साठ पैसा मिलेगा, पैसा 60 सेकेंड का पैसा मिलेगा, न कि 120 सेकेंड का, समझे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है फ्लोर, क्या यूज किया जाता है फ्लोर, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कॉमा 60 कर दीजिए, समझ गए। तो बिल्कुल राउंड राउंड अप हो गया आपका सेलिंग, और राउंड डाउन हो गया आपका क्या हो गया फ्लोर, रमदान। समझ गए। ठीक अच्छा राउंड का एक और इस्तेमाल हम लोग करते थे, ये भी आपको बता देते क्योंकि इसको ढूंढने में हमें काफी टाइम लगा था, उस समय वीलुकअप में वो जो स्टार वाला सिस्टम होता था ना, ये ग्रुपिंग बराबर तो हमें नहीं पता होता, हाँ हमारे पास एक डेटाबेस होता था समझे,
उसमें होता था वो, मतलब डेटाबेस में क्या होता था, सिटी फाइनेंशियल हम लोग काम करते थे तो उनके रसीद बुक हुआ करते थे, लोन को कैलकुलेशन करने, लोन रिकवरी के लिए जो एजेंट जाता था कस्टमर को पैसा लेके उसको रिसीट देता था, तो रिसीट बुक का जो ट्रैकिंग प्रॉपर होता था, एक भी रिसीट गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ने आपको पैसा दिया उसके पास प्रूफ रिसीट है, मतलब एक रिसीट एक ब्लैंक चेक के अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए कि हमने हमने हमारा जो टेलीकॉलर है और हमारा जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है, वो अगर रिसीट बुक का पैसा उठा लिया और पैसा जमा नहीं किया, उसकी चेकिंग हम रसीद से ही करते थे या फिर कस्टमर के कंप्लेन से करते थे। मान लीजिए कि बंदा गया, कस्टमर से बात किया, उसने पैसा लिया और उसको रिसीट काट के दे दिया, तो प्रॉपर्ली उसको आके एनसी में उसको रसीद और पैसा दोनों जमा करना। रसीद की होती थी 4 कॉपी, एक कॉपी जो कस्टमर को मिलता था, एक कॉपी जो पैसे के साथ जाता था बैंक में, और एक कॉपी होती थी जो कि होती थी एजेंसी के पास जो पैसा रिकवर करता था। करता एक रिसीट जो होती थी वो बुक के साथ वापस कंपनी जाती थी, मतलब कि जो सिटी फाइनेंसर के हेड ऑफिस जाता था, और उस रसीद बुक और पेमेंट की ऑडिट होती थी। ये बहुत तगड़ा था सर। एक रसीद अगर गायब हो जाती थी तो हमें एफआईआर करना पड़ता, अगर गलती से उस भरना रसीद के ऊपर पेमेंट उठ गया तो फिर एनसी को भरना होता। पड़ेगा। तो उसका डेटा कुछ इस तरह से होता था कि यहाँ बुक नंबर, बुक का रसीद स्टार्ट कहाँ से है और हमारा एंड कहाँ पे है। तो मान लीजिए 1 से स्टार्ट है और 50 तक गया, फिर यहाँ रसीद बुक 2 आया, 51 से स्टार्ट है और 100 तक, इसे सीक्वेंस होता था सर। रसीद 3 जो है वो 101 से लेकर 150 तक है, रसीद 4 जो है अच्छा 151 से लेके 200 अच्छा होता था, इस तरह से होता था सर। ठीक है, ऐसे बस का टिकट का ये इन लोगों के पास रहता है, गवर्नमेंट हाँ वालों के पास। ठीक है। अब होता क्या था कि हम डेटा जो रखते थे बुक नंबर के हिसाब से रखते थे, यहाँ पे नेम, किसको इशू किया, कौन एफी नंबर सब होता था, जमा किया, कितना रिसीट जमा किया उसके अगेंस्ट में पूरा होता था। फिर रिसीट बुक का पूरा एक एक रिसीट कि आपका एक रिसीट नंबर 1 पे कितना, किसका किसका पेमेंट उठा है, कितना अमाउंट है उठा है, 2 पे कितना उठा है, 3 पे कितना उठा है, पूरा एक पेमेंट रजिस्टर होता था सर। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, जब कस्टमर हमें कॉल करता था ना कि मेरा पेमेंट जमा नहीं हुआ, एस्केलेट होता था, जब पेमेंट जमा नहीं होती थी तो मुझे फ़ोन करता था कि मेरा पेमेंट जमा हाँ नहीं हुआ, समझे। तो उसमें क्या करते थे कि हम उसके पास तो बुक नंबर नहीं होता था ना सर, उसको तो रसीद नंबर देता था, वो बोलता नहीं था कि मेरा वहाँ 132 नंबर रसीद है। अब हमें ढूंढना हाँ होता था 132 नंबर का बुक नंबर, आएगा तीन ठीक है, और आएगा। हाँ उस बुक नंबर के अकॉर्डिंग फिर हम डेटा नाम उठाते थे और उस पर नाम से हम उसको फोन करके बोलते थे कि रसीद बुक लेके आओ, मैं चेक करना है तुम्हारा रसीद समझ मिसिंग है, समझ गए। गया। तो प्रॉब्लम क्या होता, ये तो चलो छोटा था लेकिन उनके पास डेटा जो होता था बहुत बड़ा होता था। ये डेटा चला गया था हजारों में, मैंने 50-60 हज़ार तक चला जा गया था। 1500 रसीदे थे, 1500 बुक तो एट ए टाइम मार्केट में होते थे सर, और 50 पेमेंट है, हर बंदा एक दिन 50 रसीद होते थे, हर बंदा एक दिन में कम से कम 7 से 8 रसीद काटता, मतलब 10 दिनों में, 10 से 15 दिनों में एक बुक खत्म हो जाती थी। 3000 बुक तो हर महीने मिनिमम लगते ही लगते थे सर, समझ रहे हैं ना सर। तो यहाँ पे बुक नंबर कैसे निकाले थे, यहाँ पे हम राउंड अप का यूज करते थे, सिंपल सा राउंड अप, इसको लिए कॉमा 3, सॉरी कॉमा 50, E3 / 50, 0। हमने रसीद नंबर को 50 से डिवाइड किया, उसको राउंड अप कर लेते, राउंड अप करते बुक नंबर निकल जाता, ठीक है सर। तो फिर ये फिर अगर आप ये इसको डिवाइड भी नहीं करते तो नहीं आता वो। नहीं, फिर तो 6 बार में चला जाता, 6 चला जाता ना ये। 50 50 के हिसाब से, 50 नहीं 50 की आई, 150 ही होता सर फिर तो। हाँ 3 बुक है ना, तीसरे नंबर में ना, 150 के बीच में 132 है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ उसमें डिवाइड क्यों करना, फिर
सर 50, देखिए होगा क्या कि इसको जो हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आया ना सर? मतलब कि तीसरा बुक चल रहा है, दो खत्म हो गया, तीसरा स्टार्ट हुआ है, तो राउंड अप करेंगे तो 3 आ जाता सर। वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको डिवाइड ना करके सीधे अगर 50 कर देते हैं तो 50 50 बार वो तो ऐसे भी चेंज ही होता तीसरी बार तो क्या 50 समझे नहीं क्या? तो ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो 132 को 50 कर दे, में। राउंड अप 132.50। नहीं 50 तो नहीं होगा सर, 50 तो डेसिमल प्लेसेस है ना, ये तो जीरो जो दिख रहे हैं आप वो डेसिमल प्लेसेस है। कितना कितना डेसिमल, ऐसे मैंने 1 कर दिया तो 2.4 आएगा सर, ये देखिए 2.7 आएगा, यहाँ जीरो नहीं रखना नहीं है। वो तो जीरो की मैं बात नहीं कर रहा था। अब एक अगर आप लास्ट में जी में आइए, जी कॉलम पे आइए, जी पे आइए, आप यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू राउंड अप। इक्वल टू राउंड अप, हाँ, हाँ ई वाले 132 को कॉमा हाँ 50.0। कहाँ से 50.0 कर देंगे आप? वैल्यू प्लस प्लेसेज, तीन दो ही देना है, तीन कहाँ से आ गया आपका? अच्छा तो आप 50 एक बार करिए। 50 करेंगे तो डेसिमल प्लेसेज 50 आएगा, ये देखिए 132 ही आ जाएगा। आप समझ नहीं रहे, राउंड अप फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे? पहले आप राउंड अप फॉर्मूला डेसिमल को राउंड करता है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं कि आप क्या निकाल रहे हो, वो डेसिमल, वो क्या डेसिमल को राउंड अप करता है। तो जब ठीक मैं है, इसको समझ गया। डिवाइड करता हूँ, तो ये 132 को जब 50 दो से पॉइंट डिवाइड चौसठ हो जाएगा। करूंगा, 135 को 50 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में आएगा, तो इसको राउंड कर एग्जैक्टली देंगे तो इसका बुक नंबर आ जाता ठीक है। तो राउंड है। अप ठीक है जो है वो डेसिमल वैल्यू को ओनली जी, राउंड हाँ करता है, ठीक है, जी और ये वाला नॉर्मल वैल्यू को, हाँ ठीक है समझ में आएगा। 25.5 है तो हाँ हमने राउंड अप लगाया है, और अगर नॉर्मल वैल्यू है तो सेलिंग वाला आता है और वो एक अपना वो जो भी फ्लो जी करके जी और जी फ्लोर करके, जी 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 ठीक ठीक है। है। तो सेलिंग मैथ और ये दोनों एक ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेलिंग मैथ और फ्लोर मैथ भी आपको दिखेगा फॉर्मूला दो, तो दोनों एक ही होता है। ठीक है सर, अगर वो 150 होता ना सर तो हो जाता हाँ। लेकिन वो एक सौ तो 150 आएगा ना, तो बुक नंबर चाहिए ना हमें, हमें बुक्स का लास्ट नंबर थोड़ी पता करना हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 150 होता ना वहां पे 132 की जगह तो वहां पे हम 50-50 का गैप देके कर सकते थे। तो सर ये आपको 150 है चाहे 200 है तो कर लोगे, लेकिन जब वो लाखों में होगा तो हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अब चलिए इसके अंदर जो आपका आता है वो आता है कॉम्बे। कॉम्बिन का यूज ज्यादा होता नहीं है, फिर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, 2 लोगों को ज्वाइन, मैं आपने इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को लेगा, 3 को शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन आपको 2 को ही ज्वाइन करना है, तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? मतलब आपने ए बी सी और सी, ठीक 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया बट ज्वाइन 2 को करना है, तो आपके पास कितना है, ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है ना, कि आप तीन ए और बी ऑप्शन को ज्वाइन करवा लें, बी और सी को ज्वाइन करवा लें, या ए ए और और बी को सी कर को ले, ज्वाइन ए को करवा सी को कर ले। लें। तो ए यही चीज निकालने का काम करता है कॉम्बिन। ठीक है, नंबर एंड यहाँ पे के एंड रिप्लेस करें, ये आ गया। कॉम्बिन का काम यही होता है। ठीक है, क्या क्या किया था सर? एक बार कॉम्बिन था, कॉम्बिन में ये भी समझ में आ गया, सीट 12 को क्या बोलेंगे इसको? एन हो गया, नंबर हो गया, और ये आपका के हो गया, मतलब कि कितना के है। स्टैंड फॉर, के का देखिए, मतलब सर एन का मतलब हुआ कि कितने नंबर है, और के के मतलब चॉइसेस कितने हैं आपके पास। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, कोई खास इसका यूज, इसका यूज भी बहुत कम ही होता है, शायद ही कहीं किसी भी यूज होता है। हाँ, ये तो जब सीधे सीधे दिख ही रहा है तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इसमें। फिर आता है इवन नंबर, जो कि इवन नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, इसमें आपका आता है आपका फैक्ट नंबर, फैक्ट फॉर्मूला, जो फैक्टोरियल नंबर वो कन्वर्ट करता है, फैक्टोरियल नंबर देता है सॉरी। जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दिया ना, तो 5 के फैक्टोरियल, याद कीजिए फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा,
मतलब इसने 1 × 2 × 3 × 4 × 5 को कर दिया। इसी में आपके पास आता है फैक्ट डबल, क्या आता है फैक्ट डबल, इसको सेलेक्ट करके एंटर किए तो 15 आया, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई किया 1, 1 × 3 × 5 किया। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 और नंबर है तो सारे और नंबर को मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे इवेन होगा तो फिर इवेन नंबर को करेगा, मतलब 2 × 4 × 6, ठीक है। तो फैक्टोरियल नंबर आपका फैक्टोरियल नंबर निकाल के दिखाता है, क्लियर सर? ठीक है, एलसीएम एलसीएम निकालता है। इसमें एक चीज मोड और इंट का फॉर्मूला है वो देख लीजिए, ठीक है। और इंट फॉर्मूला, जैसे हमने डेसिमल्स रिमूव करने की बात करी, कि मुझे सिर्फ डेसिमल एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे 0. डेसिमल रिमूव करने के एक और फॉर्मूला होता है इंट का, क्या होता है इंट, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मैं डेसिमल को रिमूव कर देता है, या सिर्फ डेसिमल अलग करना है तो आप यहां कर सकते हैं कि विथ डेसिमल माइनस इंट विदाउट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल अलग हो जाएगा। मोड फॉर्मूला होता है शेषफल, क्या बोले, ये मेरे समझ में आया दूसरा वाला। इंट फॉर्मूला इंटीजर इंटीजर मतलब कि डेसिमल को रिमूव कर देता, समझ गया दूसरे वाला, उसके नीचे वाला। हमने सिर्फ डेसिमल अलग करना है तो हमने क्या किया, विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, 25.63 − 25, ठीक है। अच्छा, ठीक है, विदाउट डेसिमल, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है मोड का, मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालता है, मतलब कि अगर 14 को 5 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा, लेकिन हम डेसिमल में ना एक डिवाइड करें तो शेष फल जिसको रिमाइंडर बोलते क्या आएगा, 4 आएगा ना, 5 × 10 4 आएगा, 4 आएगा। तो मोड यही चीज निकालता है, सॉरी मोड यही चीज निकालता है, मतलब उसका शेष देता है, जी शेष फल ठीक है। और अगर नॉर्मल डिवाइड करोगे तो पॉइंट में कुछ 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 करके डेसिमल में आएगा। अब यहाँ पे डेसिमल को भी हम मोड से अलग कर सकते हैं, कि 25.63 में से 63 को अलग करना है तो मोड लगा सकते हैं, कैसे, देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो नंबर है वो, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल प्लेसेस में हो तो शेषफल क्या आएगा, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आता है, लेकिन अगर नंबर डेसिमल में हो दशमलव में हो तो शेषफल उसका दशमलव दशमलव वाला आएगा, और यहाँ देखिए दशमलव आ गया, ठीक है। तो ये छोटी मोटी फॉर्मूले थी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो बताएंगे, जैसे काउंट इफ सम इफ काउंट यूनिक जैसे फॉर्मूले हैं वो सारे बात करेंगे, ठीक है।